हाय नमस्कार, मैं हूं सत्य शर्मा। आज मैं आया हूं M3M बुढ़सार प्रोजेक्ट में। ये लोकेटेड है सेक्टर 107 गुड़गांव में ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। सो आज मैं आपको इसके 3 बेडरूम प्लस 7 बेडरूम की विजिट कराने वाला हूं। इसका साइज है 2361 स्क्वायर फीट का। सो ये बेसिकली 3 बेडरूम प्लस 7 बेडरूम का फ्लैट है और काफ़ी स्पेशियस, बहुत ही अच्छा ये फ्लैट है, बहुत ही स्पेशियस अपार्टमेंट है और इसका रेट रीजनेबल आता है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए एंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और आपको दिखाता हूँ उसका लेआउट एंड साइज। सो आप देख सकते हैं M3M बुढ़सार, आपने प्रोजेक्ट देखा होगा, मिक्स सेगमेंट का प्रोजेक्ट है ये जो लोकेटेड है सेक्टर 107 में। तो चलते हैं हम फ्लैट पर और दिखाता हूँ आपको फ्लैट का साइज एंड लेआउट। लेट्स गो। सो गाइज, मैं अभी आ चुका हूँ फ्लोर पर जहाँ मैं आपको फ्लैट दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ आपको 2 लिफ्ट मिल जाएंगे, एक पैसेंजर लिफ्ट और एक सर्विस लिफ्ट। अब मैं फ्लैट के अंदर एंट्री कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये फ्लैट है, ये आज का मेन डोर है फ्लैट का। सो गाइस, काफ़ी स्पेशियस फ्लैट है, 2361 स्क्वायर फीट का साइज है। ये आपका लिविंग कम डाइनिंग आ जाता है। यहाँ आपको AC मिल जाएंगे, फैन, लाइट और गीजर, ये सब मिल जाएंगे आपको फ्लैट के अंदर ही। एंड दोस्तों, आपका ड्राइंग रूम के साथ एक अटैच बालकनी है, ये आपकी मेन गेट की तरफ फेस करती बालकनी है, आप देख सकते हैं। ये सामने ही आपका सिंगरम का कॉमर्शियल है, सोलेरा का, काफ़ी अच्छा लोकेशन है फ्लैट के, आप देख सकते हैं। बालकनी का साइज स्टैंडर्ड साइज की बालकनी है, काफ़ी बड़ा साइज है। यह इसका स्प्लिट एसी का कंप्रेसर लगा हुआ है बालकनी में ही, आप देख सकते हैं साइज अच्छा है बालकनी का। आप लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस का साइज भी देख सकते हैं, काफी अच्छा साइज है लिविंग एंड डाइनिंग का। एंड दोस्तों, हम एंट्री करते हैं तो राइट में आपका ये किचन आ जाता है, ये इसका किचन का साइज है, काफी स्पेसियस किचन का साइज है। एंड इसके साथ एक अटैच आपका सर्वेंट रूम हो जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका सर्वेंट रूम है, सबसे बड़ा सर्वेंट रूम है आपको एक्सप्रेस पर, अच्छा सर्वेंट रूम मिलेगा साइज का। इसके साथ आपको एक अटैच टॉयलेट मिल जाएगा सर्वेंट रूम के साथ, देख सकते हैं। उसकी एंट्रेंस सेपरेट बाहर से भी है, आपको उसकी एंट्रेंस दिखा देता हूँ। इसके ये लॉक है, एक्चुअली दिखा नहीं पाऊंगा मैं भी। तो आपको ये किचन के साथ यूटिलिटी बालकनी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं बालकनी का साइज, पूरे दिन की धूप रहेगी आपको किचन के अंदर में। ये इसके AC का कंप्रेसर रखे हुए हैं दो, यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज की बालकनी है, काफी बड़ी बालकनी है ये। तो गाइस, मैं भी चल रहा हूँ उसके बेडरूम की तरफ, आप देख सकते हैं ये इसका बेडरूम है, जिसे हम गेस्ट बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम बोलते हैं। सो गाइस, ये इसका, इसके साथ आपको एक AC मिल जाएगा, स्प्लिट AC, आप देख सकते हैं ये स्प्लिट AC लगा हुआ है। इसके अंदर आपको लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिलेगी और इस बालकनी का आप साइज़ देखिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग साइज़ है। देखिए आप साइज, मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं साइज कितना अच्छा साइज, प्यारा साइज है बालकनी का। तो ये बालकनी भी आपको गेट की तरफ फेस करती हुई है। तो अभी मैं इसके चल रहा हूँ नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों, ये इसका कॉमन वॉशरूम है फ्लैट के अंदर, आप देख सकते हैं काफी अच्छा साइज है वॉशरूम का, स्टैंडर्ड साइज का वॉशरूम है। तो अभी चल रहा हूँ, ये इसका सेकंड बेडरूम है, इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम मिल जाएगा। इस बेडरूम का वॉशरूम भी अच्छा है, काफ़ी बड़ा साइज है। यहाँ भी आपको लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिलेगी, आपको यहाँ भी टोशिबा का AC मिल जाएगा, 1.5 लीटर का 3-स्टार AC है, आप देख सकते हैं। एंड गाइस, अभी मैं लास्ट चल रहा हूँ उसके मास्टर बेडरूम की तरफ। सो ये इसका बहुत ही अच्छा प्यारा मास्टर बेडरूम का साइज है, अमेजिंग साइज है, आप देख सकते हैं साइज। ये इसका वार्डरोब कैबिनेट एरिया है, काफ़ी अच्छा एरिया है कैबिनेट एरिया। एंड ये इसके साथ अटैच वॉशरूम है, देख सकते हैं आप। सो गाइस, ये आपका, यहाँ भी आपको लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिलेगी। सो काफ़ी अच्छा साइज है अपना इस बेडरूम का, और इसके साथ भी आपको एक टोशिबा का AC मिल जाएगा, 1.5 टन का, आप देख सकते हैं सामने AC है। सो गाइस, ये इसका एक बालकनी अटैच इस बेडरूम के साथ आपको मिलने वाली है। सो इस बालकनी का साइज बहुत ही अमेजिंग साइज है, अच्छा साइज है बालकनी का और डिसेंट साइज की बालकनी है। आपको ये टोटली फ्लैट आपका सन फेसिंग रहने वाला है और देख सकते हैं ये सामने ही सोसाइटी का व्यू है।
सो गाइस अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जैसे मैं भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ भविष्य में। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।